मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिला आपको, हमको मिला, किसी को मिला, नहीं मिला। दोस्तों अभी हम लोग जंतर मंतर पर, जंतर मंतर पर रोजगार को लेकर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ये धरना प्रदर्शन आह्वान किया है। एक चाचा है, इनसे पूछते हैं, रोजगार तो देश में बहुत है, 2-2 करोड़ रोजगार दिए जा रहे हैं। रोजगार देश के अंदर होता तो ये इतनी जनता यहाँ नहीं होती, रोजगार तो है ही नहीं, कहाँ रोजगार है। लोग कहते हैं बरगलाने के लिए लोग यहाँ आ जाते हैं, रोजगार बहुत है। नहीं है, रोजगार है ही नहीं, वो झूठा जुमला है, पेपर में निकालते हैं लेकिन रोजगार तो कहीं भी नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, है ही नहीं रोजगार। रोजगार उन लोगों के लिए रोजगार है जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, जो करोड़ों खरबों रुपये लेकर देश से उनको भगा दिया गया है, उनको रोजगार है। और एक आम आदमी जो बच्चा ग्रेजुएशन विश्वविद्यालय से कर आता है, उसके लिए रोजगार नहीं है, कहाँ रोजगार है, आप बता दीजिए, आपको रोजगार है? आपने भी मास मीडिया का जो कोर्स किया है, क्या दूरदर्शन में आपको नौकरी मिली है, या किसी इतने चैनल में क्या आपको नौकरी मिली है? कहीं नहीं है। अरे 24 में फिर से जीतने जा रहे हैं, रोजगार नहीं होगा तो जनता वोट नहीं करेगी, वो तो लगातार कह रहे हैं 24 फिर जीत जाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, 24 के अंदर मशीनों के माध्यम से जीतेंगे, मशीनें उन्होंने डुप्लीकेट की हुई है, सारा चिप लगाई हुई है उसके अंदर, उसके माध्यम से जीतेंगे, गुंडागर्दी से जीतेंगे, ईमानदारी से। जो चुनाव जीतना है 24 के अंदर, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए ना, देश की जनता बता देगी मोदी जी को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो, क्या किसकी सरकार लाएंगे, किसकी सरकार नहीं लाएंगे। अब सरकार चाहे मशीन के उस पर लड़े, चाहे वैलिड पेपर के ऊपर लड़े, अब इस देश के युवा प्रधानमंत्री जी को बता देंगे कि अगर आपने रोजगार नहीं दिया हमें, रोजगार नीति नहीं लागू किया गया इस देश में, तो मोदी जी को पता चल जाएगा कि युवाओं की शक्ति क्या होती है। जी पता चल जाएगा मोदी जी को कि युवाओं की शक्ति क्या होती है। अभी तक युवा नहीं जागे थे क्या, 2 चुनाव जिताए जी? मोदी जी तो बोले थे ना, मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिला आपको, हमको मिला, किसी को मिला, नहीं मिला। इसीलिए 2024 में अब मौका है, और मैं सारे युवाओं को बोलना चाहता हूँ, 2024 में मौका है, छूटने ना पाए। और अगर रोजगार आंदोलन, रोजगार नियुक्ति नहीं किया गया, रोजगार नीति लागू नहीं किया गया, तो 24 में मोदी जी को दिखा देंगे। मोदी जी तो कहते थे अच्छे दिन लाएंगे, 8 साल हो गए, 15 अगस्त को बोला भी कि देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। प्रगति की ओर बढ़ रहा है ना, 200 रुपए लीटर तेल हो गया, पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो गया, सिलेंडर 1000 रुपए पार हो गया, यही तो प्रगति है मोदी जी की, यही प्रगति की है, अपना प्रगति की है। सिर्फ चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री है देश के कि विदेश घूमो मंत्री है, ये बताइए आप, प्रधानमंत्री बने हुए हैं और पूरा विश्व घूम लिए हैं, विश्व में हर जगह जगह उनका पर्यटन चलता है, कभी यहाँ भाषण देते हैं, कभी वहाँ भाषण देते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व गुरु ऐसा बनता है जहाँ जिस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उस देश को आप विश्व गुरु बनाएंगे। विश्वगुरु तो बन रहा है, लोग बता भी रहे हैं, बीजेपी कई नेता भी कह रहे हैं भाई, इसके अलावा बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं विश्वगुरु बन रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगे, बस प्रगति पे हैं, बस आने वाला है। जी 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 जी, मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप विश्वगुरु बनाने वाले हैं, हम जैसे युवा, आप कर दिए रोजगार जो आंदोलन है उसको सफल कर दीजिए, रोजगार नीति को लागू करवा दीजिए, हमारा वोट मोदी जी को जाएगा ऐसा। मगर अगर आप रोजगार नीति को लागू नहीं किए, तो हम खुद, हम युवा पूरे देश में मोदी जी का विरोध करेंगे, और इस बार हम 24 में दिखा देंगे मोदी जी को। क्या कह रहे थे बेटा अभी आप? मैं ये कह रहा था कि युवा को किसी पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, आप किसी से मतलब नहीं होता, युवा को सिर्फ अपने रोजगार से मतलब होता है। अगर देश में युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेगा, क्योंकि युवा को कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, ये रोजगार मिलेगा कुछ काम करेगा। मोदी जी को सोचने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को शर्म करने की बात है कि आज 12 साल का युवा, 12 साल का छात्र, जिसको पढ़ाई के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचना होता है, वो आज रोजगार आंदोलन में अपना समय दे रहा है, उसे पढ़ाई करने का वक्त में वो अपना रोजगार आंदोलन में समय दे रहा है, जंतर मंतर। आप कहाँ से आए भाई? मैं साउथ वेस्ट दिल्ली से आया हूँ। साउथ वेस्ट दिल्ली से आया अकेला युवा, आप देख रहे हैं ना उसका, आप उसका हिम्मत देख रहे हैं ना। तो मैं मोदी जी को फिर बताना चाहता हूँ, इस देश का जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो आप देखे हैं ना आजादी के समय बच्चा बच्चा साथ दिया था, तो इस आंदोलन में भी बच्चा बच्चा साथ दे रहा है, और इस बार ऐसा बच्चा भी है, मोदी जी को अपना ताकत दिखाएगा, अपना दल चल दिखाएगा। मोदी जी को मैं बस शर्म की बात है उनके लिए कि बताओ 12 साल का बच्चा जिसका फ्यूचर अभी आने वाला है, उसे इस चीज में पढ़ना है। उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए भाई। सुन लिया थोड़ा बहुत भाई साहब, जो वर्तमान जो सरकार की जो ये चल रही है नीतियाँ, मतलब ये देश को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर हो रही है, ये किस लिए हो रही है?
जिसे प्राइवेटीकरण ये लोग कर रहे हैं। अगर अगर देश में सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर सरकार की जरूरत ही क्या है फिर अपने को, है क्या जरूरत सरकार की, फिर शासन की जरूरत नहीं है। अभी आजकल ये सरकार कहती है कि सरकार कहते हैं पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं करें, कुछ सेक्टर को प्राइवेट में डाल लें, पूरी तरीके से थोड़ी करें जो बदनाम विपक्ष को करता है। अरे सर फिर बच कौन रहा है, ये बैंकों में जा रहे हैं। अरे सबसे बड़ी है जो बाहर देश सेना है जो देश की सुरक्षा कर रही है उसको अग्निवीर बना के लास्ट में जाएंगे, फिर ये बनाएंगे चौकीदार बीजेपी के कार्यालय में जाएंगे, तो ये योजना सही है क्या सर? ये आपको सही मानते हो?